भाजपा हाईकमान के आदेश अनुसार पूरे देश में त्रिदिवसीय 28, 29 व 30 मई को भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है। इसी क्रम में आज चंदौसी के देवरखेड़ा स्थित आशीष गार्डन बैंकट हॉल में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें भाजपा जिला अध्यक्ष ओम वीर सिंह खडगवंशी की उपस्थिति में भाजपा कार्यकर्ताओं ने बढ़ चढ़कर जनहित में रक्तदान कर देश व समाज हित का परिचय दिया। जिला अध्यक्ष ने बताया कि भाजपा सिर्फ राजनीतिक पार्टी ही नहीं बल्कि सेवा ही संगठन में भी अहम विश्वास रखती है। इसके साथ ही केंद्र सरकार के 7 वर्ष सफलतापूर्वक गुजरने के उपलक्ष्य में भी इस देशव्यापी कार्यक्रम का आयोजन किया गया है तथा आज कोविड-19 की विषम परिस्थितियों को देखते हुए देश में बीमारी से जूझते मरीजों में खून की बढ़ती कमी की समस्या पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने जनहित में स्वेच्छा से रक्तदान कर प्रत्येक मजबूर असहाय बेसहारों को अपना खून दान कर जीवन दान देने का काम किया, जो कि एक सराहनीय कदम है। संबल ब्लड बैंक के डॉक्टर सचिन सक्सेना व डॉक्टर रितु सक्सेना ने बताया कि 28 मई को बरवाला के PWD गेस्ट हाउस में बदायूं की सांसद संगमित्रा मौर्य ने उद्घाटन कर रक्तदान शिविर का आयोजन किया था, जिसमें 22 यूनिट ब्लड कार्यकर्ताओं द्वारा डोनेट किया गया था, जबकि 29 मई को संबल में रक्तदान शिविर का आयोजन हुआ, जिसमें भी 20 यूनिट ब्लड डोनेट हुआ था। इसी कड़ी में आज चंदौसी में कैंप का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें समाचार लिखे जाने तक 10 यूनिट ब्लड दान किया जा चुका था और कार्यकर्ताओं द्वारा रक्तदान की प्रक्रिया जारी थी। आज नहीं किया जा रहा है, भारतीय जनता पार्टी द्वारा पूरे देश में सेवा ही संगठन है, इसको लेकर 28-29 यानी कि मोदी सरकार 7 साल पूर्ण होने पर सेवा ही संगठन के रूप में कार्य कर रहे हैं। इसी के निमित्त 28 तारीख में हम लोगों ने बबराला में शिविर का आयोजन हुआ रक्तदान का, वहाँ पर 22 यूनिट ब्लड दिया गया था, उसके बाद कल संबल में था वहाँ 20 यूनिट दिया गया था, आज चंदौसी में चल रहा है, तो यहाँ 11-12 तक हो चुके हैं और वहाँ चल रहा है। तो भारतीय जनता पार्टी सिर्फ राजनीति करने के लिए नहीं, सत्ता हासिल करने के लिए तो भारतीय जनता पार्टी संगठन नहीं है, सेवा परम धर्म, सेवा ही संगठन है। हम लोग से आपने देखा होगा कोरोना जैसी महामारी में और बिल्कुल बाहर निकल नहीं आए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का परिवार, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता अपने परिवार की चिंता करते हुए समाज के सब वर्गों की चिंता, चाहे वो सैनिटाइजर के रूप में हो, मास्क के रूप में हो, साबुन के रूप में हो, निरंतर समाज के बीच में सेवा कार्य करती रही। उसी के निमित्त 28 और 29 तीन दिन से सेवा कार्य कर रहे हैं। आज जैसे कि मेरे जनपद में 256 सेक्टर हैं, सभी सेक्टरों में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता गाँव गाँव जाकर साबुन, मास्क, सैनिटाइजर, काढ़ा ये वितरण करने का काम कर रहे हैं और ये मोदी सरकार के 7 वर्ष पूरे होने पर सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता सेवा ही संगठन के रूप में मना रहे हैं। यही इसी के निमित्त आज ये रक्तदान का बहुत अच्छी बात है कि इस तरह से आपने